अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त शेयर, जो कि मैंने हमेशा आपको रिकमेंड किया है और मेरे पोर्टफोलियो में भी है ये स्टॉक, सर फार्मा को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर को मैंने आपको उस वक्त रिकमेंड किया था जब ये गिरता 35 पर आ गया था, और 35 बिल्कुल बॉटम से ये ऑलमोस्ट डबल हो गया था, और विद इन अ वन मंथ में ये स्टॉक डबल हुआ था। और मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक जो है वो इस वक्त लॉटरी का टिकट बना हुआ है, इसको जो बाय करेगा उसको उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो सकती है। और आप देखें कि 35 से ये ऑलमोस्ट 67-68 तक इसने हाई बनाया। मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बीच में कुछ जाहिर सी बात है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हो जाती है तो उस हिसाब से फिर सेलिंग भी होती है, तो करेक्शन आती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें मार्केट का हिस्सा हैं, और मार्केट स्टॉक मार्केट की ये एक बहुत अच्छी बात है कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती है हमेशा, बाय करने की भी और सेल करने की भी। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, जो लोग टाइमली बाय करते हैं और टाइमली सेल करते हैं तो वो हमेशा पैसा बनाते हैं। और मेरा काम है व्यूअर्स आपको हमेशा टाइमली अच्छे स्टॉक एडवाइस करूँ, ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं। तो सर फार्मा की बात करते हैं। आज सर ऑलमोस्ट आज 55 के लेवल पर ये क्लोज हुआ है, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और मार्केट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। आज मार्केट 2200 पॉइंट प्लस थी। अब देखेंगे जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो सर फार्मा मार्केट के ट्रेंड को तेज़ी से फॉलो करता है। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनमें डिविडेंड देने वाले शेयर हैं, बोनस देने वाली कंपनीज हैं, वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं। और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी, और आने वाले दिनों में 70,000 का लेवल मार्केट ईजिली क्रॉस कर लेगी। तो ऐसे में सर फार्मा इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग इस वक्त फ्रेश बाय करना चाहते हैं, और जो लोग डिविडेंड और बोनस देने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सर एक अच्छा ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि एक तो सर का नया IPO लॉन्च होने वाला है, जिसकी अप्रूवल इनको मिल चुकी है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा सर आने वाले दिनों में, और ये बहुत ही जल्द आप देखेंगे, बल्कि मैं कहूँगा कि ये 2 से 3 दिन में 60 का लेवल ईजिली क्रॉस कर लेगा। अगर 60 के लेवल पर ये सस्टेन कर जाता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है सर का। तो सर लेके रखने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करें। कभी भी आप किसी स्टॉक को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करें, हमेशा बॉटम से स्टार्ट लें। लेकिन मैं आपको जब भी एडवाइस करता हूँ तो हमेशा बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पर आपको एडवाइस करता हूँ कोई भी शेयर। मार्केट कैप की बात करें तो इसकी 22 बिलियन की मार्केट कैप है। EPS अभी एक क्वार्टर का है, अर्निंग 0.31 है। अर्निंग इसकी कम है, लेकिन अर्निंग अब इसकी बढ़ना शुरू होगी, और आप देखेंगे हर क्वार्टर में ये अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में। सल फार्मा पाकिस्तान में 1000 ऑफ फार्मा कंपनीज में जिसकी रैंकिंग आती है वो 14 नंबर पर है ये कंपनी, और बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि फार्मा कंपनीज में 14 नंबर की रैंकिंग वाली कंपनी है सर, और इसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को बीट किया है सर ने। बुक वैल्यू इसकी 91 है, और ईयरली डिविडेंड ये हर साल बोनस और डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को, तो बोनस देने वाली एक बेहतरीन कंपनी है सर। और ये सर अगर आप इसमें कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बोनस और डिविडेंड से बढ़ाना चाहते हैं, तो सर फार्मा इस वक्त एक बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत ही अच्छे लेवल पर ये ट्रेड हो रहा है। हिस्ट्री का इसका 761 है। आप देखें कि 761 वाला शेयर इस वक्त 55 रुपीज़ पर मिल रहा है। तो व्यूअर्स, शॉर्ट टर्म में इसमें 5 से 10 रुपये का गेन ईजिली आपको मिल सकता है, अगर पेशेंस के साथ एक महीने के लिए अगर आप लोग होल्ड करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म गेन मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म में रखने का फ़ायदा ये है कि सेल फार्मा की जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 200 और 250 के दरमियान है, तो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से ये आधी से भी कम कीमत में मिल रहा है ये स्टॉक, तो इसमें मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में फ़ायदा है। तो सेल फार्मा एक रिकमेंडेड शेयर है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर बोनस देने वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेल को अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखें। तो व्यूअर्स, अच्छी से अच्छे स्टॉक्स के वो मैं आपको टाइमली एडवाइस करता रहता हूँ, ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो व्यूअर्स,
आई होप कि आज की वीडियो आप लोग एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।